हेलो गाइस, टुडे इज़ 14 क्लास ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। सब्जेक्ट है हमारा पैटर्न मेकिंग, टॉपिक है ए लाइन ड्रेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेज़रमेंट देख लेते हैं ए लाइन ड्रेस का। शोल्डर है हमारे 15, लेंथ है हमारी 30, बस्ट लाइन है 36, वेस्ट लाइन है हमारी 30, हिप लाइन है 37, आर्म होल है 16, नेक लाइन है फ्रंट 6, बैक नेक लाइन है 2 इंच। ओके, ब्राउन पेपर पे क्लियर नहीं दिखता है, इस वजह से मैंने ये चार्ट पेपर यूज़ कर रही हूँ। ओके, पर आपको जो है ब्राउन पेपर पे ही पैटर्न बनाना है और फाइल में अटैच करना है। सबसे पहले ये फोर्थ पार्ट पर ही पैटर्न बनता है, ये तो आपको पता ही होगा, और इसमें मार्जिन वगैरह नहीं लेते हैं। तो ये हमारी सेंटर लाइन है, तो यहीं से हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर है हमारा 15, 15 में 2 डिवाइड है तो हो गया हमारा 7.5, और 7.5 ही हम इस साइड भी लेंगे। ये जो है एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट है हमारी 36, 36 का फोर्थ में डिवाइड करेंगे और फिर हमारा हो जाएगा 9, और प्लस 6 पॉइंट हमारे लूजिंग के लिए रहेंगे। तो 9 हमारा हो गया ये, और 6 लूजिंग के लिए। लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। टू इंच या फिर 1.5 इंच की लाइन लगाएंगे और हम इसे शेप देंगे फ्रेंच कर्व से आर्म होल का। ओके, वेस्ट लाइन वर्टिकल हम लगाएंगे इसका पहले 15 पे। हिप लाइन हमारी आएगी 21 पर, और लेंथ है हमारी 30, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ओके, अब हम इसके हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट लगाएंगे। वेस्ट थी हमारी, वेस्ट की जो गोलाई होती है वो थी हमारी 30 थी, 4 में डिवाइड किया 7.5, 7.5 हुआ, प्लस 6 पॉइंट लूजिंग। ओके, ये हो गया हमारा 7.5, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया लूजिंग के लिए। इसको जो है हम माफ कर दिया, अब हमारा है हिप। हिप लाइन थी हमारी 37, 4 में डिवाइड 9.2, प्लस 6 पॉइंट आपको लूजिंग रखना 9.2, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया हमारा लूजिंग। और ये है हमारी, इसको भी ये हमारा वही रहेगा 9.2 आपका, और 6 पॉइंट लूजिंग था हमारा, 10 हो गया था। और फिर हमें जो है इसमें 2.5, 2.5 इंच और प्लस करना है। आप इन सारे मार्क को ज्वाइन कर देंगे हम। ओके, अब हमें
यहाँ से फ्रंट की जो हमारी अंदर की गोलाई होती है वो देना है, तो 1 इंच हम अंदर लेंगे इनसाइड और इस लाइन से मैच करेंगे। और फिर ये जो लाइन्स हमारी थी उतने ही यहाँ पर लगाते हैं। ये देखिए हमारा ये लग गया। अब नेक लगाएंगे हम। नेक हमारा जो है 3.5 पे, तो ऐसे में हमें लगाना है 4। इसका एक बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बना लिया हमने। ये और इधर से 1/2 इंच डाउन करेंगे शोल्डर। ये हमारा यहाँ से जो है लेना है हमें 1.5, ओके, ऊपर लेना है और इसे जो है ऐसे शेप देना है। ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। बैक हमारा सेम रहेगा बट नेक हमारा बस चेंज होना है इसमें। पहले हम यहाँ से कट करेंगे, बैक का जब ट्रेस कर लेंगे तब हम आगे की ये वाली गोलाई कटिंग करेंगे। इन सभी पैटर्न को हम जो है आपको गारमेंट कंस्ट्रक्शन में सबको यूज़ करना बताएंगे, कैसे कैसे यूज़ करा जाएगा, कैसे फैब्रिक पे रखा जाएगा। अभी हमारा जो है बेसिक चल रहा है, जैसे बेसिक कोर्स हमारा फिनिश हो जाएगा वैसे ही हम इन पैटर्न को यूज़ कर करके आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गारमेंट्स बनाना सिखाएंगे। ओके, चलिए अब इसको ट्रेस कर लेते हैं बैक का। पहले हम इसको फ्रंट को भी कट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट। इसमें ग्रीन लाइन शो कर लेंगे। इस पर जो है आप जो है बस्ट लाइन और सारा कुछ आप अपना मेंशन कर लीजिए, जैसे कि हमने जो है बॉडीज ब्लॉक में किया था उसी तरीके से इसमें भी सारा मेंशन कर लीजिए।
बैग का देख लेते हैं। विड्थ तो आपको बैक में फ्रंट की तरीके से रखनी है आपको, और इस साइड से आपको 2 इंच लेना है और एक बॉक्स बना लेना है। ग्रीन लाइन शो कर लेते हैं इसमें। ये हमारे बैग भी कंप्लीट हो गया। अब इसे कट कर लेते हैं इसके नेक को भी। टुडे क्लास इज कम्प्लीट। सी यू नेक्स्ट टाइम विद ए न्यू क्लास। सब्जेक्ट है हमारा टेक्सटाइल साइंस एंड इफेक्ट। थैंक यू।